समाचार गरोट से। नवगठित मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग समाज के 27 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए जाने पर आभार प्रकट कार्यक्रम हुआ आयोजित। विधायक धाकड़ ने पत्रकार वार्ता में सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में दी जानकारी। गरोट भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण एवं प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा के निर्देशन तथा भारतीय जनता पार्टी जिला मंदसौर के जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया के मार्गदर्शन में मोर्चा जिला अध्यक्ष धीरज पाटीदार के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 सांसदों को पिछड़ा वर्ग समुदाय को अधिक प्रतिनिधित्व देने के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आभार प्रकट करने के लिए भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला मंदसौर की ओर से रविवार को दोपहर 1 बजे गरोट रेस्ट हाउस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों पर काम कर रही है, जिसमें गरोट विधायक धाकड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया और प्रेस वार्ता की। धीरज पाटीदार ने भी संबोधित किया। विधायक द्वारा पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ जनों का लोगों का सम्मान भी किया गया। पिछड़ा वर्ग के गोपाल बागवान बोलिया, नरवेराम पाटीदार, संजय चौहान, शेरू शाह, राजेंद्र भावसार, जगदीश गुजर, राजेंद्र भावसार एवं अन्य लोगों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया और मिठाई बांटी गई। कार्यक्रम में यह थे उपस्थित। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री दिनेश पाटीदार, जिला अध्यक्ष धीरज पाटीदार, उपाध्यक्ष राकेश यादव, महामंत्री सुनील पटेल, संभाग आईटी सेल प्रभारी दिनेश सोलंकी, ईश्वर पाटीदार, जिला मंत्री बजरंग धाकड़, भाजपा नेता दिनेश मालवी, गुरुकृपा मंडल अध्यक्ष गोकुल सिंह चौहान, श्यामगढ़ मंडल अध्यक्ष विश्वकर्मा, महामंत्री जितेंद्र वर्मा, महेंद्र पाटीदार विशेष रूप से उपस्थित थे। गरोट संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट। देखिए, अपने देश में प्रजातांत्रिक सरकार है और हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार सबको दिए हैं, परंतु हमने देखा है कि इसके पहले प्रजातंत्र का गला घोटा गया, कई बार मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। अभी पिछले 25 जून को जो तारीख निकली है, देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था अपनी कुर्सी बचाने के पीछे। बोलने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, लिखने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी, देश में सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, परंतु अभी जो चुनी हुई सरकार है ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास, हम ये जानते हैं कि ये 15वें प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी। इसके पूर्व सरकारों में जाति आधार पर पार्टियां बनी, परंतु उनके विकास का कभी विचार नहीं किया। देश में हम जानते हैं तो 52% जनता ओबीसी वर्ग से आती है, पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, परंतु उनको अभी तक जो सुविधाएं, जो अधिकार देना चाहिए वो नहीं दिए गए थे। पहली बार इस सरकार ने 2017 में 123वां संशोधन अधिनियम लाकर उसको संवैधानिक दर्जा दिया और पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया सरकार ने, ताकि पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं उनका समुचित विकास की योजना सरकार बना सके, उनको उनके अधिकार दिलाए जा सके। हमारे देश में कई प्रांतों में जाति आधार पर सरकारें बनी है, बहुजन समाजवादी पार्टी हुई, लोकदल हुए, ये सब जितने भी प्रांतीय सरकारें बनी है वो जाति आधार पर सरकारें चलाती रही है, परंतु अभी तक उस जाति के बारे में कभी उन्होंने विचार नहीं किया कि इसका विकास कैसे होगा। और इसलिए पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने और केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी 46 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, जिसमें 27 मंत्री पिछड़े वर्ग से और उन्होंने लिए हैं। हालांकि उसमें सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसमें क्रिश्चियन समाज का भी है, मुस्लिम समाज का भी है, सिख समाज का भी है, बौद्ध समाज का भी है, एससी वर्ग से भी है, एसटी वर्ग से भी है, परंतु जनसंख्या के आधार पर चूंकि 52% जनता देश में पिछड़े वर्ग से आती है, तो 27 मंत्री पिछड़े वर्ग से उन्होंने लिए हैं। स्वाभाविक रूप से
और देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने सबको समान रूप से देखा है, सबका साथ सबका विकास, उनकी कदनीर करने में अंतर नहीं है और इसलिए उन्होंने इतने मंत्रियों को ओबीसी वर्ग से लिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से और हम देश के प्रधानमंत्री का और बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं और गर्व करते हैं देश के ऐसे प्रधानमंत्री पर जिन्होंने और पूरे देश भर में और सबके विकास की योजना बनाई और अपने देश के अपने मंत्रिमंडल में उसी अनुसार उन्होंने और प्रतिनिधित्व दिया है। इस निमित्त और आप सब लोगों के सामने हम देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं उनको कि एक उन्होंने देश के भावी निर्माण के लिए और जो संकल्प लिया है और जो दृढ़ इच्छा शक्ति उसमें है वो निश्चित रूप से उनके संकल्प में पूरा होंगे। आज हम देख रहे पूरे देश की और पूरे दुनिया में जो प्रतिष्ठा बढ़ी है ये उनके कुशल नेतृत्व का कारण है। अभी हम जानते हैं कि पिछले 7 साल के कार्यकाल में जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, देश में आतंकवाद प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दिया। 370 की कल्पना किसी को नहीं थी, 370 35 है तो छोड़ो, 370 समाप्त हो गई। देश की जनता ने पहली बार दीपावली मनाई, जिस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर और लगातार आंदोलन चल रहे थे कि लगातार कई वर्षों से हमारे विरोधी लोग आरोप लगाते थे कि राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति करते हैं, मंदिर निर्माण करेंगे, भव्य निर्माण करेंगे, तारीख नहीं बताएंगे, परंतु आप लोगों को मालूम होगा कि राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया और उसके पीछे एकमात्र कारण है देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और जो संकल्प लिया था उन्होंने कि हमारी जो संविधान पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, केवल एक ही प्रकरण डे टू डे चलाकर और न्यायालय के द्वारा निर्णय कराया, उसका निर्णय कराने के बाद में राम मंदिर का काम शुरू हुआ, 370 हटाई, राम मंदिर का काम शुरू हो गया। इतने महत्वपूर्ण अध्यादेश, देश विभाजन की विभीषिका हम सब लोगों को मालूम होगी कि कितने अत्याचार और अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से वहाँ पर प्रताड़ित करके हमारे देशवासियों को भगाया गया था, उनको नागरिकता नहीं थी, दर दर के ठोकरे खा के इधर उधर भटक रहे थे, शासन की योजनाओं की सुविधा नहीं मिल रही थी क्योंकि देश के नागरिक नहीं थे, इसलिए उन्होंने CA लाकर संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित करवाया और उन सबको देश की नागरिकता देने के लिए रास्ता प्रशस्त किया। आज वो हमारे देश की शासन की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इतने महत्वपूर्ण अध्यादेश केंद्र की सरकार ने पारित किए और इसलिए आज हमको गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। इसलिए हम आप सब लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री का धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं कि वो लगातार इस देश के हित में और अपना प्रशासन चलाते रहें, सबका साथ सबका विकास। हमको मालूम है कि हमारा संकल्प है गरीब के आंसू पोंछना, अंतिम व्यक्ति के उन्नति करना और इसलिए आज पूरे देश भर में जितने प्रधानमंत्री आवास बने हैं गरीबों के लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता, शौचालय बने हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, गैस चूल्हे और सिलेंडर उनको दिए गए हैं हर घर में और लाइट की सुविधा दी है, उनके इलाज के लिए आयुष्मान योजना उन्होंने शुरू की है, किसानों के लिए जितनी भी आज तक कभी नहीं हुआ था फसल बीमा योजना, किसानों का मुआवजा, ये सब प्रकार के किसानों के हित की योजना केंद्र की सरकार ने बनाई है। निश्चित रूप से हमारा देश उनके नेतृत्व में प्रगति कर रहा है और इसलिए पुनः आप सब लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।